अच्छा था, मतलब कि ऑल द डांसेस वर ग्रेट, नए नए थिंग्स देखे, फिर एडिटिंग वाज आल्सो सुपर, म्यूजिक वाज लाइक वेरी कैची एंड एवरीथिंग. और वरुण धवन सर का, आहा, उनका क्या बोलूं, दे लाइक परफेक्ट. योर बेस्ट सीन फ्रॉम द मूवी, आई थिंक देयर इज द रेन वाला डांस जिसमें दे डू द रीमिक्स ऑफ बेजुबान, दैट इज लाइक अमेजिंग. द क्लाइमेक्स वाज लाइक, नो दैट कम्स इन द सेमी फाइनल्स. आप मूवी देख लो फिर समझ जाओगे. आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देना चाहोगे? फोर. थैंक यू. जब वो वरुण धवन एंट्री मारा देन उसमें मुझे बहुत मज़ा आया. आफ्टरवर्ड जब उसने जो प्रिज्म का लाइट्स था जो उनके ऊपर आया एंड देन हर एक लाइट डायरेक्शन सब बहुत अच्छे लगे मुझे. एंड उनका लव स्टोरी भी नॉर्मल क्यूट सा था. एंड देन आफ्टरवर्ड इजी. मुकाबला सॉन्ग कैसा लगा आपको? मुकाबला तो बेस्ट, प्रभुदेवा इज द बेस्ट. यस. आपका बेस्ट सीन क्या था? मतलब मेरे को बेस्ट सीन लगा जैसे सेमीफाइनल में जब वरुण धवन एंट्री हुआ तब मुझे बहुत मजा आया. लाइक कुछ ना कुछ डायरेक्शन आर ऑसम एंड द प्रिज्म ऑफ द लाइट्स आर गुड. वो जो जब भी डायरेक्शन लाइक कि डांस कर रहे जब भी वो जब उन पर लाइट्स पड़ रही है तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा. डांस कैसा लगा पिक्चर में? डांस आई लव इट बिकॉज़ आई एम आल्सो अ डांसर एंड आई रियली लव इट. मतलब मजा आ गया. आउट ऑफ 5 कितना स्टार्स हो गए? 4.5. पैसा वसूल. जस्ट थैंक यू सो मच. जो आपको आकर्षित किया? डांस बहुत ज्यादा अच्छा था, कोरियोग्राफी ज्यादा अच्छी थी, डायरेक्शन अच्छा था. इट वाज अ 3D मूवी तो उसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा ही अच्छे थे. मस्ट वॉच. स्टोरी में क्या लगा आपको? कौन सा सीन है जो आपको अच्छा लगा? स्टोरी इज ऑल अबाउट यूनिटी तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन फॉर अस. ओके एंड अबाउट द श्रद्धा कपूर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा बॉन्ड है. द डांस वेरी वेल. एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन एंड सॉन्ग्स ऑफ द मूवी? डायरेक्शन एंड सॉन्ग्स आर रियली माय फेवरेट पर्सनली एंड दे आर मीन इट्स वर्थ टू वॉच. ओके एंड व्हाट वन यूनिक थिंग दैट यू नो ऑडियंस शुड वॉच दिस मूवी? The effects and the 3D effects were really wow. Okay. Which one must watch and the dance steps and choreography was amazing. Okay. And what about the story pace? Kya matlab ek same pace pe rehti hai, slow hoti hai, kitna? Nahi, perfect. Perfect. And out of 5 kitne stars dene? 5. Thank you. Excuse me. Okay. Aap street dancer dekh ke aa rahe hain to kaisa laga aapko? It's a very good movie. It's about illegal immigrants that are in abroad. And they dance to help them and send them back to their respective countries. And what is one a good moment or one thing that you liked in the movie? Which you think is the best part of the movie? I liked when, you know, there are two teams, two dance teams. And in semi-finals when they come together and dance together, that was a very nice moment. Okay, whose acting is the best, like Shraddha Kapoor, Varun Dhawan, and there are so many actors and dancers, whom do you think? I liked Puneet's acting, okay. It was really good, and Shraddha Kapoor and Varun Dhawan. Okay. Yeah. And out of 5, how many stars do you think? 4.5. Okay, thank you ma'am. Hey, dekhi Street Dancer 3. So please give your, मुझे बहुत अच्छी लगी. आई थिंक मैंने ABCD 1 और 2 देखी थी. सो ABCD मुझे ठीक लगी थी. बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट बिकॉज इफ़ यू आर अ डांस लवर आई थिंक यू शुड गो एंड वॉच दिस मूवी. क्योंकि कोरियोग्राफी इतनी अच्छी है और 3D इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं. लाइक द लास्ट सीन वेयर देयर यू नो डांसिंग एंड स्प्लैशिंग वाटर, वाटर कम्स राइट इन टू आईज. या फिर देयर इज अ सीन वेयर यू नो दे आर यू नो थ्रोइंग, बहुत अच्छा है. यू नो 3D इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं. एंड फूट टैपिंग नंबर्स, यू विल फील लाइक जस्ट पुट ऑन योर डांस शूज एंड स्टार्ट डांसिंग विद देम. यू विल लूज ट्रैक ऑफ टाइम. And I think as compared to part 1 and part 2, this is really commendable. And Remo D'Souza, इनको लोगों ने इतना condemn किया कि Race 3 में direction अच्छा नहीं है, तो इसमें screenplay बहुत अच्छा है, direction बहुत अच्छा है, so his direction is noteworthy. And what about songs and background? Music बहुत अच्छा है, जितने भी गाने हैं बहुत अच्छे हैं. और जैसे मैंने कहा कोरियोग्राफी, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंसेज, श्रद्धा और वरुण तो है ही अच्छे. साथ में बहुत सारे accomplished डांसर है जैसे पुनीत है, राघव का एक बहुत अच्छा रोल है, धर्मेश यलंडे और बहुत सारे यू नो सीजन डांसर्स हैं और उन्होंने चार चांद लगा दिया. और प्रभु देवा उनका बहुत बड़ा रोल है एंड वी ऑल नो दैट ही इज़ अ माइंड ब्लोइंग डांसर, ही इज़ द माइकल जैक्सन ऑफ बॉलीवुड. तो उनको देख के उनसे नज़र ही नहीं हट रही थी. आई थिंक उसमें ही पैसे वसूल हो गए लोगों के कि जब उन्होंने प्रभु देवा का डांस करते हुए देखा. और उनका काफ़ी अच्छा रोल है. And what about the pace of the movie? क्या everything is perfect. I think it's flawless. Part अब जो पहला हाफ था हमें लगा नहीं था कि second half, you know, पहला हाफ मुझे ठीक लगा लेकिन second half it goes to another level.
विद डांस, क्योंकि बीच में ऐसे पोर्शन है जहाँ पे डांस ज़्यादा दिखाया. इट्स अ मूवी ऑन डांस, सो आई थिंक दैट इज द ओनली ड्रॉबैक कि और ज़्यादा डांस दिखाना चाहिए था, बिकॉज इट्स इंस्पायर्ड बाय स्टेप अप, इंग्लिश मूवी स्टेप अप, जिसमें सिर्फ डांस ही दिखाया शुरू से एंड तक. तो वो दिखा सकते थे बट थोड़े और इमोशनल पोर्शंस डाले और यही दिखाया कि डांस और म्यूजिक का कोई मज़हब नहीं होता, तो वो मैसेज भी कन्वे करना था. तो आई थिंक इट्स परफेक्ट. Do you recommend this movie to the audience? Definitely, especially for dance lovers. मैंने खुद 12 साल भरतनाट्यम और कथक सीखा है, सो इट कुड बी एनी डांस फॉर्म, यू नो. I have performed all over the world. So लोगों को ये समझना चाहिए कि if your dance is not just about passion and obsession, you know, it goes to another level when you put your, you know, heart and soul in that. And out of 5? I'll give 3.5. Thank you, sir. Thank you. Okay, brother. जैसे आपको देख के लग रहा है street dancer की t-shirt पहनी है और एकदम पूरे mood में आए हैं, तो हो जाए review. क्या कहेंगे? हो जाए. Way they helped those other people who couldn't go home, that was really good, very good. Okay, and what about the direction? It was worth watching this movie, it was very good. Songs or agar background score ki baat ki hai? Bezuba and Garmi. Garmi to... Yeah. Aapka favorite kya tha? Bezuba. Bezuba? Aur Garmi. मुझे तो एक ही चीज़ मालूम है कि वो लोग बहुत अच्छा नाचते हैं और ये मूवी तो हम सब लोग को देखना चाहिए. मगर मूवी में जो मसाला है मज़ा नहीं आया फिल्म में. सर काफ़ी इमोशनल मूवी था. इमोशनल मूवी है ये, मगर इसमें फिल्म ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है ये फिल्म की, क्योंकि फिल्म का जो कहानी स्टोरी है. क्या ऐसा चीज़ है जो आपको छुई नहीं, आपको लगी कि ये मूवी नहीं चलेगी? अरे वही सब जितने फिल्म में जो स्टोरी है वही फिल्म का स्टोरी दिखाते हैं, मिला जुला के देते हैं, मसाला वाला फिल्म नहीं है कोई काज. मूवी डांस के ऊपर है तो डांस कितना आपको प्रभावित करता है? डांस तो अच्छा लगा, डांस तो 25% अच्छा लगा, मगर जो फिल्म का जो कहानी स्टोरी है वो सही नहीं है. टॉप लेवल का ही है, टॉप वर्ल्ड के टॉप क्लास का डांस दिखाया गया, आप पूरे डांस अच्छा था. जो पहला जो लास्ट जो फिल्म में जो डांस है वो सही लगा हमको, मगर जो फिल्म का जो कहानी स्टोरी है वो सही नहीं लगा. फिल्म किया है पहले सही था, मगर अभी का जो फिल्म है जो अब सही नहीं आ रहा है. गाना ठीक है, गाना हल्का फुल्का जो मिला काट के सब गाना बनाते हैं आजकल. गाना क्या करते हैं सब, ना सब अभी जोड़ जाड़ के गाना बना देते हैं. स्टेट डांसर ठीक था, सॉन्ग सही था, मगर ये फिल्म ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, अगले हफ्ता उतर जाएगी. अरे भैया चलेगी, मगर देखो चलेगी तो चलेगी, मगर फिल्म का मजा नहीं है. आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? मैं भैया 5% दूंगा, इससे ज्यादा देंगे. आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 का यही 10% देगा और क्या है. अरे सर आउट ऑफ 5 पांच में से कितना देंगे? पांच में से कितने स्टार दोगे? 1, 2, 3, 4. अरे भैया 1, 2 ये थे, 3 भी मिल गया तो बहुत हो गया. आप कितना देना चाहोगे? भाई मैं 3% देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे. परसेंट मत बोलो सर. 5 में कितना एक देना चाहेंगे? नोट परसेंट नहीं, 0.1 0.2 3 3 या 2 से देते हैं. चलिए ठीक है सर. आप क्या दोस्तों कितना पसंद आया? बहुत, थोड़ा पीछे हो जाओ. हाँ बहुत बहुत अच्छी लगी मूवी, मज़ा आया खूब. मज़ा आया बिल्कुल. पैसा वसूल मूवी. पैसा वसूल हो गया. डांस के ऊपर फिल्म बताई जा रही है तो डांस के हिसाब से जस्टिफाई कर रही है फिल्म? बिल्कुल कर रही है. मैं वही कहना चाह रही थी अभी तक, वही कह रही थी कि आपको वहाँ पे डांस देखने को मिलेगा. आई विल नॉट टॉक अबाउट एक्टिंग और सारी चीज़, बिकॉज इट्स इन डांस, मतलब डांस के ऊपर. नहीं फिल्म में एक्टिंग भी इम्पॉर्टेंट होता है, बट अगर आप डांस के ऊपर मूवी बना रहे हो तो डांस पे आप और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जो कि था. डांस में जितना भी था, जितने बैटल्स हुई है, जितने भी सॉन्ग हैं मूवी के, जिन लोगों ने भी परफॉर्मेंस दी है बहुत ही अच्छी दी है, कोई मतलब बहुत मज़ा आया है डांस वगैरह. हाँ बिल्कुल. किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई? अपार शक्ति खुराना का भी एक छोटा सा कैरेक्टर है उसमें, जो कि मुझे बहुत पसंद आया. उनकी एक्टिंग जो पहले से ही पसंद है. ही डिड अ गुड जॉब. वरुण श्रद्धा के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ वरुण और श्रद्धा तो एक्टिंग तो अच्छी की है उन्होंने, मतलब ठीक की है. okay, और जैसे करते ही हैं हर मूवीज़ में. लेकिन डांस
दे आर नॉट प्रोफेशनल डांसर्स, उसके बावजूद भी उन लोगों ने प्रोफेशनल डांसर्स के साथ कम्पीट किया है, डांस किया है, और कहीं नहीं लग रहा है कि दे आर नॉट प्रोफेशनल डांसर्स। और उसमें एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है कि मूवी में सिर्फ वरुण को ही आगे दिखाया है लीड में, सबको चांस दिया है, सबको एक हाईलाइट दिया है, सबको एक मतलब एक मतलब हाईलाइट दिया है सबको कि अच्छा आप भी हैं मूवी में, सारी चीज़ें। अच्छा, तो क्रिटिसिज्म ये हो रहा है, क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा यू नो फिल्म के अंदर इंडिया पाकिस्तान का जो यू नो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है जिसमें पाकिस्तानी को ज़्यादा रूम दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया इंडिया पाकिस्तान, वहाँ पे बस एक टीम दिखाई है कि श्रद्धा पाकिस्तान से हैं और वो इंडिया से बाहर कई कंट्री में रह रहे हैं, और वरुण जो है वो इंडिया से हैं और उनकी अपनी टीम है, वो बस मैच वैच होता है, इट्स अ फनी पार्ट एक्चुअली, वो उसमें थोड़ा फ़नी करके बताया है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, वो अलग अलग साथ ही बैठ के अलग अलग देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, चीज़ पे सामान फेंक रहे हैं, इट्स अ फनी पार्ट। एक और मुद्दा उठाया गया है कि फॉरेन कंट्रीज को लेकर हमारा ऑब्सेशन ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल लंदन, अमेरिका, तो वो जस्टिफाइंग था क्या कहेंगे उस मुद्दे? हाँ, कहीं ना कहीं लोग होते हैं इलीगल तरीके से कंट्रीज़ में चले जाते हैं, फिर वहाँ जाके उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो वहाँ तो पहुँच जाते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन वो वापस अपने देश आ नहीं पाते, तो वो भी स्टोरी ये आप जब मूवी देखो, मैं सब बोल दूँगी तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा देखने में। स्टेट ऑफ माइंड है उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, जो ऑब्सेशन है दूसरी कंट्रीज को लेकर? नहीं, ऐसा इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, इट्स नॉट इंडिविजुअल कि मेरा जो परसेप्शन है वही आपका भी होगा, सो इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने कभी सोचा नहीं इंडिया से बाहर जाने का फिलहाल, आई हैव प्लान्स बट नॉट येट, सो वो मेरा जब मेरा वैसा टाइम आएगा आई विल थिंक अबाउट इट, सो अभी तो यही है कि भैया घूमने जाना है, बाहर जाना है। वन थिंग दैट यू रिकमेंड फॉर द ऑडियंस इज दैट गो एंड वॉच दिस मूवी। या एवरीवन शुड गो एंड वॉच दिस मूवी, इट्स अ फुल ऑफ फन, फुल ऑफ डांस एंड पैसा वसूल मूवी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, मजा आया। पांच में से कितने स्टार्स देंगी? आई विल गिव 4 आउट ऑफ 5। थैंक यू।